राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ का पटना में एक दिवसीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य उद्घाटनकर्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजद महिला प्रकोष्ठ, एवं मुख्य अतिथि देवमुनि यादव जिला अध्यक्ष राजद, प्रमिता सिंह जिला प्रभारी मौजूद रहीं। साथ ही कार्यक्रम में रामदुलारी देवी जिला अध्यक्ष पटना जिला महिला प्रकोष्ठ राजद भी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में राजद कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि बिहार में राजद की सरकार बनाना है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला जी ठाकुर जी का स्वागत करते हुए जिला अध्यक्ष राम दुलारी देवी जी, प्रिय साथी, आज राष्ट्रीय जनता दल के एक दिवसीय मीटिंग पटना जिला के, तो हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग महिला एकजुट होकर और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करेंगे। आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि आज हम लोग सब महिला एकजुट होंगे, होकर तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करके सरकार बनावेंगे। और जब तक हम लोग तेजस्वी जी के सरकार नहीं बनावेंगे, जब तक हम लोग को मान सम्मान नहीं मिलेगा, हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। बेटा हाथा महंगाई बढ़ी है बहुत, काफ़ी असर पड़ा है महंगाई। हम लोग के किचन चौका में हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम लोग 1000 रुपया लेके जाते हैं तो 10 रुपया के भी वैल्यू नहीं है बाजार में महंगाई के सीमा, तो महंगाई हाथ पर पहुँचल है। तो अभी केंद्र सरकार को झूठा सरकार बोल रहा है, केंद्र सरकार तो झूठा है ये है। मोदी जी हम लोग के वादा किए थे कि काला धन लाएंगे, विदेश जाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, तो जीरो बैलेंस से खाता खुलाएं तो हम लोग के 15 रुपया भी खाता पर देते हैं तो हम लोग संतुष्ट रहते हैं, बाकी 15 रुपया भी हम लोग के खाता पर नहीं, इसलिए झूठा सरकार है। हम लोग के वादा करके दिए कि हर महिला को गैस देते हैं, गैस देकर और फ्री में गैस दे रहे हैं, खाना बना के महिला सुरक्षित रहेगी, तो हम लोग महिला सुरक्षित नहीं है, कहाँ गैस पर खाना बन रहे हैं, तो यहाँ हम लोग कोई सुरक्षित नहीं है। और यहाँ सरकार नीतीश कुमार के सरकार में भी महिला सुरक्षित है ही नहीं। आगे की क्या योजना, क्या कुछ करने वाले हम लोग संघर्ष करेंगे और तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। मेरा दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, क्या उद्देश्य, क्या मकसद? पूरे बिहार में हम प्रत्येक जिला में हमारी महिला का जो मेरा संगठन है जिला स्तर पर, जिला में जैसे अब जिला अध्यक्ष हुई, प्रधान महासचिव हुई, जिला प्रवक्ता हुई, और पूरे जिला का जो प्रखंड है वो प्रखंड अध्यक्ष, जैसे पटना जिला में 25 प्रखंड या 2500 प्रखंड की प्रखंड अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, और सभी लोग मिल करके हम संगठन की मजबूती पर आज एक दिवसीय महिला सम्मेलन किए हैं। और महिला संगठन की मजबूती के सहारे सारी महिला आज हम संकल्प लेने जा रहे हैं, प्रत्येक जिला वाइज हम दौरा कर रहे हैं जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में, और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने संगठन को मजबूत इस मामले में भी करना है कि वर्तमान सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित हुई है किचन से लेकर के सड़क पर, तो सिर्फ महिला प्रताड़ित हुई है। आज महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, जो महिला के किचन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। 200 रुपया 500 रुपया लेके जाती है, ना दाल ले पाती है, ना सब्जी ले पाती है, ना वो जो है नमक तेल ले पाती है, कड़वा तेल 200 रुपये के जी हो गया है, किसी भी सब्जी का भाव देखिएगा 60 रुपये से नीचे नहीं है। आए दिन महिला घर में भी सुरक्षित नहीं है, बेटी घर में भी सुरक्षित नहीं है। इन बहुत सारे सवालों को लेकर के वर्तमान जो पलटू राम बैठे हुए हैं बिहार में, जो जिनके पास कोई भी महिला, किसी भी संगठन की महिला हो, चाहे वो कामगार महिला हो या जो गैर सरकारी संस्थान में काम करने वाली महिला हो, अपनी मांगों को लेके जब भी गई है पटना की सड़कों पर, तो उनको अधिकार के बदले लाठी मिला है। पुलिसिया तंत्र के द्वारा महिला को भी दौरा करके पीटा गया, यहाँ तक कि विधानसभा में भी हमारी जो प्रतिनिधि महिला थी, विधायक महिला, उन्हें भी पुलिस के द्वारा वर्तमान सरकार घसीट करके बाल पकड़ करके जो है सारी कही है महिला
अपने कहीं है कि घसीट करके मारपीट किया गया है। तो इन सारे सवालों पर, जैसे मुजफ्फरपुर की रिमांड होम में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार, महिला अगर कहीं भी निकलती है घर में भी, बेटी अभी मैं गई हुई थी वैशाली के भगवानपुर में रत्ती गांव में, वहां एक लड़की को घर से निकाल करके गैंगरेप करके मार दिया गया। तो इस तरह से वर्तमान सरकार निरंकुश हो चुकी है, किसी की बात नहीं सुनती है। तो अपने महिला संगठन के द्वारा प्रत्येक जिला में अपने विंग का बैठक करके यह मजबूती प्रदान सभी महिला कर रहे हैं कि सभी महिला, अब वो दिन आ गया है जो बिहार का खेवनहार एक ही है, वो है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सारी महिला एकजुट होकर के, पूरी का पूरी महिला संकल्प लेकर के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिए हैं और वर्तमान जो निकम्मी सरकार है, डपोर संघ की सरकार है, उनको जो थर्ड नंबर की पार्टी है, एक नंबर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको जो है हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है आज महिला जिला सम्मेलन। अभी की मौजूदा जो सरकार है, महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? देखिए, अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो मैं भी बिहार से ही हूँ और बिहार की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज बिहार में जो दृश्य है, जो बिहार आज दृश्य देख रहा है, जिस तरीके से हर रोज़ सड़क पे कोई भी महिला पूरी तरह से सुरक्षित रूप से घूम नहीं पाती है, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं आज बिहार की सरकार है। जो बिहार सरकार अपने एसी वाले रूम में बैठकर, कमरों में बैठकर षड्यंत्र रचती है और कुर्सी को बचाने के लिए प्लानिंग करती रहती है कि किसी तरीके से हमारी जो कुर्सी है वो बैठी रहे, हम बैठी रहे, जबकि आपके पास से सपोर्ट सिस्टम भी छिनता जा रहा है। आप किसी तरीके से जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वहाँ आप महिलाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज जो प्राइस राइज हुआ है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, आप कहते हैं कि कोरोना की वजह से ये सारी महंगाई बढ़ी है, कोरोना की वजह से आम जनता अफेक्टेड है, कोरोना की वजह से महिलाएं अफेक्टेड हैं, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, आप उस वक्त आप क्यों आखिर आप हर बार ये प्रूव करना चाहते हैं कि आप निकम्मे हैं और आपकी सरकार हर बार एक फेल्ड स्टेट के रूप में प्रूव हुई है। और जहाँ तक सुरक्षा तक की बात है, तो जैसा कि हमारे बाकी नेतागणों ने भी बताया है कि रिमांड होम से लेके और गैंग रेप तक की जो वारदात होती रहती है, वो आए दिन मौजूदा सरकार में हर दिन देखने को मिलती है। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, आप वीडियोस देख लीजिए, हर दिन किसी ना किसी छोटी बच्ची, एक 4 साल 2 साल की बच्ची से लेके और एक 15-20 साल 50 साल की बूढ़ी औरतों तक भी कोई सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। आप कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पढ़ेंगी कैसे बेटियाँ जब बचेंगी ही नहीं आपकी बेटियाँ। मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने प्राइस राइज किया है, जिससे महिलाएं अफेक्टेड हैं, जिससे हर घर बार अफेक्टेड है, उसी तरीके से हर महिला को, हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षा की गारंटी दें। और अगर नहीं दे सकते तो हमारे माननीय प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, जो कि एक युवा चेहरा है और हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, उनके हाथ में राजपाट सौंप दें, क्योंकि वो इतने कैपेबल हैं कि बिहार को अच्छे तरीके से और बहुत कैपेबिलिटी के साथ चला सकते हैं। और हमें अब वो जो थके हुए जो मुख्यमंत्री हैं, उनको उनकी ज़रूरत नहीं है। हर महिला जो है, हर पुरुष जो है, हर युवा जो है, वो कहीं ना कहीं आज एक युवा नेतृत्व को देखना चाहता है, एक बेटी देखना चाहती है, एक बहन देखना चाहती है, युवा नेतृत्व को देखना चाहती है। नीतीश कुमार जी को नैतिकता का आधार इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, उन्हें तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग जाकर उनसे ये मांग करिए, क्योंकि हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप हम तो कह रहे हैं कि अरे आप तो थके हुए हैं, आप तो किसी तरीके से, आपको केंद्र की भी सरकार आपके साथ नहीं रहती है। आए दिन आप देखते होंगे कि कभी उनके नेता कोई बयान दे देते हैं, ऐसी बयानबाजियां करते हैं जिससे ये साफ दिखाई देता है कि आपकी जो घर की लड़ाई है अब वो बाहर सड़कों पर आ गई है। तो आपको नैतिकता के साथ इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि आपको तो सुप्रीम कोर्ट और आपको हाई कोर्ट भी लताड़ रही है। जिस तरह से रिमांड होम में आपने किया, उसके लिए लताड़ा है आपको, तभी भी आपको शर्म नहीं आई, कुर्सी पर चिपके हुए हैं। जी, मेरा नाम है निवेदिता शेखर, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार।